और मुझे सुनने में आया कि ऐश की कमर मटक चुकी है। तोड़ गए बालम मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए। गुड मॉर्निंग आंटी फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं उठी हूं अपने नए वाले घर में और इधर टेडी को देखो, ये एकदम बुड्ढों की तरह शॉल लेके चेयर पे बैठे है। ओए ओए मम्मी जबरदस्ती बिठा के, या आप अच्छा फील करते हो, कोजी फील करते हो यहाँ बैठ के? टैडी से ना ऐसी एक्टिंग जितनी मर्जी करा लो, बिंकू में चप्पड़ मारना, मैं शलापी शलापी कर देनी है। एक्टिंग करा लो, क्यूट बनवाने की एक्टिंग करवा लो जितनी मर्जी। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ वॉक पे जाने के लिए, और वॉक पे एग्जैक्टली कहाँ जाना है यहाँ पे मुझे भी ज्यादा एरियाज को पता नहीं है, बट somehow let's get ready। मैं पूरी की पूरी तैयार हो गई हूँ, जूते तक मैंने पहन लिए, बट टैडी यहाँ से अभी तक नहीं हिला। टैडू क्या ये? अच्छा आपको अच्छा लग रहा, चलो सो जाओ। कुकड़ू सा कुकड़ू 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 कुकड़ू। यहाँ पे मेरे पास है दो ऑप्शंस, एक है ये एक है ये। Obviously I'll choose this। कभी ना हम फ्लैट और सोसाइटीज में रही नहीं है, लाइक दिस इज माई फर्स्ट नाइट ऐसी जगह पे, बट सच्ची बताओ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह उठते जो धूप कमरे में आई है ना, आई एम सीरियसली लविंग इट। और मम्मा ना सुबह सुबह उठे थे योगा क्लासेस के लिए, जिनको देख के मैं आज जल्दी उठ गई, एंड मुझे अभी याद आया कि शिट मैं अपनी स्टेप्स काउंट करने वाली वॉच आज पहनना भूल गई, और मेरा इंस्टाग्राम पे चल रहा 21 डेज का चैलेंज, तो फटाफट जाके पहले घड़ी लेके आती हूँ। कई बार तो मेरे साथ ये बहुत बार क्लोन हो जाती है कि मैं घड़ी पहनना भूल जाती हूँ, मेरे स्टेप्स जितने काउंट होने तो उसे कम ही काउंट हो पाते, बट चलो संभाव। ये रही मेरी घड़ी जो मैंने रात को चार्ज पर लगाई थी। चलो जी, हेलो एंड हियर कम्स मम्मी। कैसा था योगा सेशन? बढ़िया। ये क्या साथ में लेके घूम रहे हो? बिस्तरा, सर्दी पता कितनी है। अच्छा वहाँ बिछा के करते हो योगा? बेसमेंट है ना। ओके मतलब हाल देखो टैडी के, मम्मा तक आ गए बट टैडी अभी तक यहीं पे बैठा है। टैडू क्या करता है, तू बुड्ढा है क्या कोई? तू बुड्ढा है। सूर्य प्रणाम करता है। सूर्य प्रणाम करता है सुबह 6:30 बजे यहाँ बैठ जाता है, फिर 8:30 मेरे साथ चलता है। चलो मैं भी चलूँ टैडू आपके साथ? टैडी चले वॉक पे। उत्तरी था चलो 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 चलो, क्या बात है, सीढ़ियों से जाएगा शेर हमारा। चलो 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 चलो, दीदी भी साथ है आज। तो मम्मा करा रहे टैडी को सैर, और मीनवाइल मैं आ चुकी हूँ पार्क में वॉक करने के लिए। मतलब टैडी को नीचे लेके आना इतना ज्यादा मुश्किल टास्क था, बिकॉज आप डॉग्स को कैसे बताओगे कि आपको यहाँ पे सुसु नहीं करना है, यहाँ पे सुसु नहीं करना है। मतलब पूरा ऑल द वे फटाफट नीचे लेके आते बेचारे को, और उसके बाद वैसे आई गेस उसको पता चल गया होगा कि मुझे कहाँ सुसु करना है कहाँ नहीं करना है। और इधर आदित्य गौतम जी तैयार हो चुके हैं जिम जाने के लिए। क्या बात है लड़के, आज मेरा पहला दिन जिम का। अच्छा पहला दिन है? पहला दिन है। एक बार पहले भी गए थे, उस टाइम हमने फिर वो जिम कैंसिल कर दिया था, फिर हमने और जिम देखे आसपास, फिर हमने कहा यही वाला ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक एंड चीयर्स। अरे यार मेरी वहाँ पे मेंबरशिप नहीं है ना। अरे कोई नहीं, 500 रुपए की हो जाता है। मैंने अपने जिम में पैसे दिए हुए हैं, मैं इतने दिन से वहां नहीं जा रही, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पैसे दूँ? पागल है, कैसी बातें कर रहे हो? तू एंजॉय कर। नहीं मैंने वॉक वगैरह कर ली थी नीचे, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली थी, अब मैंने जाना है फैक्ट्री। अच्छा चल हम जिम जाते हैं, फिर हम इधर सब काम करवाते हैं। ओके ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हो चुकी एकदम तैयार, और अभी चलेंगे फैक्ट्री। फैक्ट्री में थोड़ा सा काम है, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है। ऑफिस के जितने भी काम थे सारे के सारे हो चुके हैं, और मैं इतनी खुश इसलिए लग रही क्योंकि काफी टाइम से दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो हमारी ब्लू टी का कलर था वो थोड़ा सा सी ग्रीन आ रहा था, और हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि वो एग्जैक्ट ब्लू कलर देने की वजह सी ग्रीन कलर क्यों दे रहा है, जबकि सारा कुछ सेम है, रॉ मटेरियल सेम है, फॉर्मुलेशन सेम है। हमारे ब्लू टी का कलर अभी कुछ आ रहा है इस प्रकार का, जो कि है सी ग्रीन, और कलर आना चाहिए एग्जैक्ट ये वाला ब्लू कलर। और इस सारी प्रॉब्लम की जड़ है ये ग्रीन टी, जो कि इस बार वेंडर ने पता नहीं कौन सी वाली ग्रीन टी भेज दी हुई है। ये थोड़ी सी फर्मेंटेड ग्रीन टी, जिसकी वजह से कलर भी चेंज हो रहा था और थोड़ा सा जो टेस्ट था वो भी कड़वे बन पे आ रहा था। तो फाइनली जाके हमारी जो इशू है ये हो चुका है रिजॉल्व। टैडू दरवाजा खोलो, टैडू दरवाजा खोलो, टैडू हेलो टैडू। और मुझे सुनने में आया कि ऐश की कमर मटक चुकी है। कैसी है कमर? ओ तेरी ज्यादा पेन है, थोड़े ऐसे
ऐसे झुक के चल रही हूँ मैं। ओह शिट, पहली बार हुआ है ये मेरे साथ। मेरे साथ तो ये होता रहता है, मैं कभी ना कभी अपने कमर भटका लेती हूँ, कभी कुछ भटका लेती हूँ। इट्स वेरी कॉमन फॉर मी। हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाओगी ठीक। मैं हो चुकी हूँ फिर से तैयार डांस क्लास में जाने के लिए। माता जी बाय बाय। सब मैंने डांस क्लासेस मैं सिर्फ एक दो बारी गई हूँ, वो भी ट्रायल लेने। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं डांस क्लास ज्वाइन ही कर लूँ, कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा और वहाँ जाके मैं अपना डांस रिकॉर्ड करूँगी। नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत शर्म सी आती है ऐसे डांस करते वक्त ऐसे वीडियो बनाने में। बट लेट्स सी, अगर बन पाई तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। और जो मैंने क्लास ज्वाइन की है दैट इज़ हिप हॉप, तो मुझे हिप हॉप का बिल्कुल भी ना ही पाता ना हो पाता है। तो आई एम स्टिल लर्निंग द बेसिक्स कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। मेरी डांस क्लासेस ना बहुत ही गलत टाइमिंग्स पे मैंने चूज की है, शाम को 5-6 बजे। इस टाइम पे इतना ज्यादा रश होता है ना सड़कों पे। वॉज रियली नाइस क्लास, अटेंड करके मज़ा आ गया, कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। और मैं पहुंच चुकी हूँ घर। तो मैंने आके डिनर कर लिया हुआ है, अब बारी आ चुकी है आदित्य गौतम की डिनर करने की। मैं तो ब्लू टी पीने लगी। पिएगा? नहीं नहीं, अभी खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा। चलो मैं तो पी रही हूँ। मैं तो आज बल्कि मेरे को ओवर डोज हो गई है काम की। उत्तरी पहले मैंने अपनी बीवी को खाना खिलाया। ओह माय गॉड, इतना फ्लॉट, ज्यादा फ्लॉटिंग होगी। मेरी बीवी बोलेगी इतना तो किया नहीं जितना सुना रहा है। फिर तो मैं हर दिन बोला करूंगी। नंबर ले रहा है, नंबर बना रहे हैं लड़का। अपना खाना खा लेते हैं। तो हमारे घर में दो इंजर्ड लोग हैं, एक है ऐश, दूसरा है पापा। कल पापा का पैर मुड़ गया था जिसकी वजह से पापा का मसल टियर हो गया और पैर में बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग है। और अब बारी आ चुकी है पापा की पट्टी करने की। जैसे काफी ज्यादा स्वेलिंग हो रखी है ना। अब तो उतर गई। कम होगी स्वेलिंग पहले से? मैं तो 50-80% कर रहा बेटा। अच्छा, जो गुब्बारा ही बोल देना था। पहले भी गुब्बारा था, अब थोड़ा गुब्बारा थोड़ा श्रिंक हो गया है। आजकल ना मम्मा मेरे साथ सो रहे, तो पापा का दुख भरा दिल गा रहा है। पापा क्या गा रहा है आपका दिल? छोड़ गए बालम मुझे, हाय अकेला छोड़ गए। और वो भी ऐसे टूटी टांग के साथ। पापा आपको बताओ, तोड़ गए बालम मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए। देख लो पापा कितने इमोशनल हो गए कि मेरी बीवी मेरे बुरे टाइम में मुझे छोड़ के कहीं और सो रही है। यहाँ ही सो रही है पास में। So guys, finally बारी आ गई है सोने की। अब हम आपको मिलेंगे कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। शबक है। बाय गाइस, गुड नाइट, स्लीप टाइट।